आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओंकार अंगडी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है. सबसे पहले सुर्खियों पर. सिंगापुर और अमेरिका में भारतीय मसालों पर प्रतिबंध, शरद पवार का मोदी को जवाब. प्रधानमंत्री मोदी का ऑफर वरुण गांधी ने ठुकरा दिया. पाकिस्तानी सांसदों द्वारा संसद में भारत की तारीफ. उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के 14 पदों का लाइसेंस रद्द कर दिया. प्रज्वल रेवन्ना का निजत से निष्कासन. मणतुर्गे में महाराष्ट्र एकीकरण समिति का प्रचार दौरा. खर्च निरीक्षक का मीडिया नियंत्रण केंद्र को भेंट. या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब. म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी. जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात, तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा. बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा. तुमची आवडती सारी लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमती. बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाडी, बेलगावी. अब समाचार विस्तार से. 1919 में शुरू हुई एमडीएच और 1967 में स्थापित एवरेस्ट कंपनियों के मसाले हर भारतीय रसोई में अहम स्थान रखते हैं. दोनों कंपनियों के मसाले न सिर्फ भारतीय बल्कि वैश्विक बाजार में भी लोकप्रिय है. हालांकि हांगकांग, सिंगापुर, अब संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने हाल ही में इन दोनों कंपनियों द्वारा उत्पादित कुछ मसालों पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया है कि उनमें कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशक है. हांगकांग के खाद्य और पर्यावरण स्वच्छता विभाग के खाद्य सुरक्षा केंद्र ने हाल ही में एक बयान जारी किया है. इस बयान में उन्होंने कहा कि उन्होंने नियमित खाद्य निगरानी कार्यक्रम के तहत परीक्षण के लिए खुदरा दुकानों से मसाले के नमूने एकत्र किए. इन नमूनों में एथिलीन ऑक्साइड पाया गया, इसलिए सीएफएस ने विक्रेताओं को इन मसालों की बिक्री बंद करने और बिक्री दुकानों से उत्पादों को हटाने का निर्देश दिया. शरद पवार का मोदी को जवाब. सोमवार को पुणे में एक सभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए परोक्ष रूप से शरद पवार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र भटकती आत्माओं का शिकार हो गया है और यहाँ के एक महान नेता ने 45 साल पहले इस खेल की शुरुआत की थी. उनके इस बयान पर अब राजनीतिक असर दिखने लगा है. मोदी की आलोचना पर अब एनसीपी नेता शरद पवार ने जवाब दिया है. जुन्नर में एक सभा में बोलते हुए उन्होंने इस संबंध में प्रतिक्रिया दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो सच है. आत्मा परेशान है, लेकिन अपने स्वार्थ से नहीं बल्कि किसानों की पीड़ा से. आज देश में महंगाई बढ़ गई है, लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो गया है. मैं 100 बार परेशानी दिखाए बिना चैन नहीं लूंगा, शरद पवार ने जवाब दिया. प्रधानमंत्री मोदी का ऑफर वरुण गांधी ने ठुकरा दिया. लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पारिवारिक कलह देखने को मिली, लेकिन परिवार में कलह नहीं होनी चाहिए. बीजेपी नेता वरुण गांधी ने इस टकराव को टाल दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पारिवारिक मामला सामने आए. दिलचस्प बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि गांधी चुनाव लड़े. कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की संभावना है. पीएम मोदी ने पीलीभीत से सांसद और बीजेपी नेता वरुण गांधी से उनके खिलाफ लड़ने का अनुरोध किया था, लेकिन चुनाव कोई राजनीतिक कॉमेडी या सर्कस नहीं है, गांधी ने सीधे मोदी से कहा और रायबरेली से चुनाव लड़ने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया. पाकिस्तानी सांसदों द्वारा संसद में भारत की तारीफ. आतंकवाद और सीमा पर ऑपरेशन के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते हमेशा तनावपूर्ण रहे हैं. दोनों सरकारों के प्रदर्शन की तरह लोगों, जीवन स्तर, आर्थिक विकास, रोजगार, मुद्रास्फीति जैसे कई मुद्दों पर अक्सर दोनों देशों की तुलना की जाती है. भारत अक्सर पाकिस्तान को जवाब देते हुए ये मुद्दा उठाता रहा है. हालांकि पाकिस्तान की संसद के एक सदस्य ने देश की संसद में पाकिस्तान सरकार को भारत के नाम की खरी खोटी सुना दी है. पाकिस्तान की संसद में देश के विकास पर चर्चा के दौरान विपक्षी बेंच पर बैठे सांसदों ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा. जमात उलेमा ए इस्लाम फजल पार्टी के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने सोमवार को संसद में सत्ता पक्ष की आलोचना की. उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के 14 उत्पादकों का लाइसेंस रद्द कर दिया.
उत्तराखंड ने पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में दी गई है। योग गुरु रामदेव बाबा और पतंजलि आयुर्वेद संस्थान के निर्देशक आचार्य बालकृष्ण ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। अखबार में माफीनामा का विज्ञापन भी छपवाया गया, जिसके बाद बाबा रामदेव को एक और झटका लगा। उत्तराखंड सरकार के आयुर्वेदिक और यूनानी सेवा राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। प्रज्वल रेवन्ना का NIJD से निष्कासन। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है। बहरहाल कर्नाटक में कथित सेक्स स्कैंडल का मामला सामने आया है। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज किया गया है। इससे कर्नाटक की राजनीति में हलचल मच गई है। जनता दल सेक्युलर ने सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने मंगलवार को JDS कोर कमेटी की आपात बैठक की। इस बैठक में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद उन्हें पार्टी से निलंबित करने का फैसला लिया गया। मंडोरगे में महाराष्ट्र एकीकरण समिति का प्रचार दौरा। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कारवार निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा उम्मीदवार निरंजन सरदेसाई का अभियान और कोप्रसभा मंडोरगे के पिंपल कट्टा में आयोजित की गई। इस अवसर पर मंडोरगे के ग्रामीणों और महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पत्रक बांटे और जन जागरण किया। खानापुर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पूर्व तालुका पंचायत सदस्य श्री बालासाहेब शेलार ने निरंजन सरदेसाई से अपील की कि वे घाघर चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबाए और 7 मई को होने वाले चुनाव में उन्हें भारी मतों से जिताए। परिचय एवं स्वागत श्री आवा साहेब दलवी ने किया। व्यय निरीक्षक का मीडिया नियंत्रण केंद्र का भ्रमण। बेलगाम और चिकोड़ी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के व्यय निरीक्षकों ने सोमवार को शहर के वार्ता भवन में स्थापित मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट का दौरा किया। व्यय निरीक्षक हरकृपाल खटाना ने कहा, अखबारों टीवी चैनलों और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर प्रकाशित होने वाली हर चुनावी खबर और विज्ञापन पर नजर रखी जाए। इस अवसर पर बेलगाम लोकसभा क्षेत्र के व्यय निरीक्षक नरसिंह राव भी, N. मोहन कृष्ण, अंकित तिवारी आदि मौजूद रहे। इस बुलेटिन में वक्त के छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSE देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSE द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक कि होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSE द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में पुलिस ने शहर में रोड प्लानिंग शुरू कर दी है। CRPF की एक टुकड़ी ने सोमवार को खड़े बाजार इलाके में गश्त की। खड़े बाजार पुलिस निरीक्षक राघवेंद्र भी उनके साथ पुलिस ने भी हिस्सा लिया। 8 दिन बाद लोकसभा के लिए मतदान होना है। जिले के 2 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 3 CRPF इकाइयों की भर्ती की गई है। इनमें से एक दस्ते ने सोमवार को शहर में सड़क गश्ती की। खड़े बाजार में काकती बेस, शनवारकूट, गणपत गली, मारुति गली, हुतात्मा चौक, रामदेव गली, खड़े बाजार सड़क से यातायात शुरू हुआ। इसका समापन पुलिस खड़े बाजार पुलिस स्टेशन के पास हुआ। समिति कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला, 5 गिरफ्तार। शाहपुर पुलिस ने चुनाव प्रचार की लड़ाई में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के 2 कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार संदिग्धों में शुभम महादेव पोटे, श्रीराम उर्फ लोनिया महादेव पोटे, अजय महादेव सुगने, बालकृष्ण उर्फ किशन मारुति मंडोरकर और मंगेश उर्फ सोनिया यशवंत कितूर शामिल है। सोमवार को इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। तीनों की जांच पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर कर रहे हैं। घर घर जाकर वोटर पेपर बांटने का निर्देश। यदि मतदाताओं को उनके मतदान केंद्र की मतदाता पर्ची पहले से उपलब्ध करा दी जाए तो मतदान करने में सुविधा होगी। इसलिए जिला निर्वाचन अधिकारी नितेश पाटिल ने सुझाव दिया कि हर मतदान केंद्र पर मतदाता पर्ची अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। वो सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में बेलगाम लोकसभा परीक्षा क्षेत्र के सहायक चुनाव अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, चुनाव कर्मियों को घर घर जाकर तुरंत मतदाता पर्चियाँ बांटनी चाहिए।
जिन मतदान केंद्रों पर पिछले चुनाव में मतदान का प्रतिशत कम था वो मतदाता पर्चियां वितरित की जाए। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को अपने मतदान केंद्र तक पहुंचने में सुविधा होगी। प्यास बुझेगी गजपति गांव की प्यास। बेलगाम से 28 किलोमीटर दूर तालुका के गजपति गांव में प्यास फाउंडेशन द्वारा झील की दोबारा खुदाई शुरू की गई है। फिलहाल झील में पानी नहीं है और झील सूखी हो गई है। झील के चारों ओर सुरक्षात्मक तटबंध बनाने के लिए 6 फीट की खुदाई की जाएगी। प्यास फाउंडेशन ने बताया कि यह प्रोजेक्ट जून के पहले सप्ताह में पूरा हो जाएगा। 10वीं का रिजल्ट 8 मई को। 10वीं परीक्षा का रिजल्ट 8 मई को सुबह 10 बजे घोषित किया जाएगा। इस साल राज्य में 8,09,000 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। बेलगाम और चिकोड़ी शैक्षिक जिलों में कुल 79,777 छात्र उपस्थित हुए हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 25 मार्च से 6 अप्रैल तक आयोजित की गई। पेपर का मूल्यांकन 20 अप्रैल को पूरा हो चुका है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 30 जून को। लंबे समय से प्रतीक्षित बीएड और बीएड धारकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा 30 जून को आयोजित की जाएगी। इसलिए आवेदन प्रक्रिया जारी है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 मई है। शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होते ही सीईटी भी आयोजित होने की संभावना है। जिले के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के कई पद रिक्त हैं, इसलिए हजारों छात्रों के भविष्य के लिए शिक्षकों की भर्ती कराना जरूरी है। सरकार ने स्कूलों में रिक्त पदों पर अस्थायी विकल्प के तौर पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर दी है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि कई स्कूलों में शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा रहा है। शिनोली बुद्रुक महालक्ष्मी यात्रा की तैयारियाँ तेज करें। शिनोली बुद्रुक में 28 साल बाद मंगलवार को महालक्ष्मी यात्रा का आयोजन किया गया है। सदर 14 में से यात्रा शुरू होने वाली है। महालक्ष्मी यात्रा समिति के अध्यक्ष बाबूराव पाटिल, उपाध्यक्ष बीआई पाटिल, परशुराम पाटिल, ज्योतिबा तंगवाड़े, मारुति देवान, श्रीपति गुड़ेकर आदि उपस्थित थे। इसके साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।